दरम्यान मुंबईचे पालकमंत्री असलम शेख यांनी सुद्धा प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली आहे. नवाब मलिक यांच्या अटकेच्या संदर्भात काय म्हणालेत असलम शेख आपण जाणून घेऊयात. असं आहे की गेल्या काही दिवसापासून आपल्याला माहिती काही लोक झाला का झाला गेल्या काही दिवसापासून मीडियामध्ये आणि काही भारतीय जनता पार्टीचे नेते या कारवाईबद्दल बोलत आहेत. मला फक्त एवढंच सांगायचं आहे की पूर्ण महाविकास आघाडी पूर्ण महाराष्ट्र आज नवाब मलिकच्या मागे आहे. मग ते नवाब मलिक असू द्या किंवा मंत्रिमंडलाचे दुसरे मंत्री असू द्या, सगळ्यांची नावं एक एक करून हे चाललेले आहेत. तर मला वाटत नाही की डेमॉक्रेसीमध्ये हे योग्य आहे. काही मंत्र्यांना त्याचं टार्गेट करणे, त्याचं नाव आधी प्रेसमध्ये चालवणं, महिना दोन महिने त्याच्यानंतर अशी जे कारवाई होतो त्याला कुठेही समर्थन जे आहे कुठल्याही देशामध्ये कुठल्याही राज्यामध्ये कुठलेही जनप्रतिनिधी करणार नाही. सर, पिछले 7 घंटों के डिस्कशन के बाद नवाब मलिक जो है वो कार्रवाई की गई है, फॉरेस्ट निकाला गया है, सब क्या कहेंगे? कई महीनों से नवाब मलिक जी हो गए या महाविकास आघाड़ी के कई मंत्रियों का नाम इस तरीके से मीडिया में चलाया जा रहा है. अब भारतीय जनता पार्टी के कई नेता उस नाम को एक एक करके बता रहे हैं. तो इस तरीके की कार्रवाई, दुश्मनी की कार्रवाई का कहीं पे भी समर्थन नहीं होता है. अगर कहीं किसी ने गलती की हो तो बात अलग है, लेकिन गुस्से में आके इस तरह की कार्रवाई करना ये ठीक बात नहीं है. पूरी महाविकास आघाड़ी जो है वो नवाब मलिक के साथ है, पूरी महाराष्ट्र की जनता जो है वो नवाब के साथ है, और इस तरीके की जो कार्रवाई है उसका हम निषेध करते हैं. नहीं, बड़े अफसोस की बात है ना, इस तरीके की बात कुछ लोगों के बारे में कही जा रही थी. कई मंत्रियों को आप देख सकते हैं कि महाविकास आघाड़ी के कई मंत्रियों का नाम इस तरीके से पिछले 3-4 महीने से चल रहा है, और उसके बाद में इस तरीके की कार्रवाई दिखाई दे रही है. तो बाकी के भी आप राज्यों में अगर देखें जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसमें से किसी भी एक राज्य में किसी भी एक नेता के उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई. इससे पता चलता कि कहीं ना कहीं इस एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है. सर, राष्ट्रवादीचे जे कार्यकर्ते आहेत ते आता आक्रमक झालेले आहेत, राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते सुद्धा आक्रमक झालेले बघायला मिळतात. सर, की कभी भी जब कोई कार्रवाई होती है और इस तरीके के मंत्री लेवल की कार्रवाई होती है तो उसके कुछ प्रोसीजर्स होते हैं. अगर उनके बंगले पे जाना है या कहीं जाना है तो प्रोसीजर होता है कि उनको गवर्नर को बताना पड़ता हो या मुख्यमंत्री कार्यालय में या जो स्पीकर होते हैं उनको सब बताने का एक प्रथा होती है, जहाँ तक का मुझे मालूम है. या और भी कुछ प्रोसेस होते हैं, उस प्रोसेस का कहीं पर कहीं फॉलोअप नहीं हो रहा है. और अगर वो पत्र भी देते तो नवाब मलिक मुंबई छोड़ के कहीं बाहर तो गए नहीं थे. वो पत्र देते तो जिस तरीके से बाकी के लोगों को बुलाया वो भी चले आते. ऐसा है कि महाविकास आघाड़ी कम से कम बदले की राजनीति तो करती नहीं है. जो कायदे में बैठेगा, जो भी गलत होगा उसके ऊपर कार्रवाई होती है. अभी उन्होंने किसी के ऊपर आपल्या सोबत शंभूराज देसाई जोडले गेलेले आहेत, राज्याचे गृह राज्य मंत्री. शंभूराज जी, तुमच्यापर्यंत ही बातमी पोहोचली असेल नक्कीच की राज्याचे कॅबिनेट मंत्री नवाब मलिक यांना अखेर अटक झालेली आहे. तुमची पहिली प्रतिक्रिया याबद्दलची काय? मी आता नेमकं प्रवासामध्ये आहे, त्याच्यामुळे मला नेमकं ईडीनं काय कारवाई केली हे माहीत नाही. परंतु प्रवासाला निघण्यापूर्वी सकाळी जेव्हा मला माहिती मिळाली की